press the bell icon for all the updates. सबसे पहले तो इस अवतार में आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू। बताइए क्या है? मैं अब एक्चुअली मैं बहुत सालों से लिखती भी हूँ। बहुत लोगों को ये पता नहीं था। स्कूल के प्लेज लिखे हैं, फिर कॉलेज के ड्रामास लिखे हैं, फिर मैंने बहुत पहले एक स्क्रिप्ट लिखी माय बॉलीवुड ब्राइड, जिसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग मैंने लिखा था। और ऐसे बीचों बीच स्क्रिप्ट लिखना या क्रिएटिव बनना, चाहे वो डांस रियलिटी शोज़ क्यों ना हो, उसमें यू नो ऐसे एक्टिंग करना या वो जो कॉन्सेप्ट होते वो लिखना वगैरह, ये मेरा पहले से शौक था, पहले से ही आदत थी। फाइनली मैंने कुछ पाँच छः स्क्रिप्ट लिखी थी, उसमें से मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म कास्टिंग आउट आयुब खान के साथ। उसको कोलकाता शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। फिर उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और मैंने सोचा चलो फीचर फिल्म करते, तो ये मेरी वो फीचर फिल्म है। Well, Die Tomorrow is a story about, actually, there are a lot of youth suicides, young people giving up too soon. ये Instagram का ज़माना है, Facebook का ज़माना है, तो प्यार भी बहुत जल्दी होता है, दिल भी बहुत जल्दी टूटता है, लोग give up भी बहुत जल्दी करते हैं। तो this is a story telling people and teaching people not to give up on their lives, you know, to go ahead. There's always a tomorrow. तो आज नहीं मरना है, कल मरते हैं। तो डाई टुमारो। ओके, डायरेक्टोरियल मतलब डेब्यू एज अ फीचर फिल्म है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, पति को ही डायरेक्ट करने वाले। एक्चुअली पति को बहुत अच्छा लगा मेरा फर्स्ट स्केड्यूल। उनका एक्चुअली पहले तो सिर्फ गाना ही था फिल्म में, मिका ने गाया उनका गाना, और जब उन्होंने रशेस देखे उन्होंने बोले नहीं मुझे रोल करना है, तो मैंने उनके लिए स्पेशल रोल लिखा। उन्होंने वो सूत्रधार का रोल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम डायरेक्टिंग कृष्णा नाउ। गोविंदा जी तो इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली, उनसे बेटर मुझे नहीं लगता कोई एक्टर है। लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल फेवरेट पूछते हो तो मैं ऋषि कपूर जी की बहुत बड़ी फैन, तो उनके साथ काम करना बहुत मेरा यू नो एक ड्रीम सा है। और इस फिल्म में मैं किरण कुमार जी के साथ काम कर रही हूँ, जो भी मेरे बहुत फेवरेट एक्टर है। मैं सिर्फ अपने फेवरेट एक्टर्स को कास्ट करती हूँ, तो आई थिंक इज़ अ फैबुलस एक्टर। एंड सो एक मेरा छोटा सा ड्रीम आज कंप्लीट हुआ है।